नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण जो कि कल होने वाला है और ऐसे में कल शाम से ही प्रचार जो है वो उसे बंद कर दिया गया है, यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा जो प्रचार किए जा रहे थे इस विधानसभा चुनाव में उसे कल शाम से बंद कर दिया गया है। प्रचार जो है अब थम चुके हैं और कल यानी कि बुधवार को विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण होने जा रहा है और ऐसे में 26 सीटों पर ये मतदान जो है कल होगा और इसमें लगभग 239 उम्मीदवार जो है अपना भाग्य इस समय आजमाने वाले हैं और ऐसे में कुल मिलाकर अगर संख्या की बात की जाए तो इन 26 सीटों पर लगभग कुल मिलाकर 25 लाख मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला लिखने वाले हैं कल। और इस समय प्रचार जो है वो पूर्ण रूप से थम चुका है। कल दूसरे चरण का जो है मतदान शुरू हो जाएगा 7 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो कल अब जनता जनार्दन किसके सर पर जीत का सहरा पहनाती है वो तो अब कल ही पता चलेगा, लेकिन मतदान को लेकर जो कुछ तैयारियां हैं वो इस समय चल रही हैं, आखिरी चरण पर हैं इस समय तैयारियां और पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से पिछले चरण जो है बड़ी शांतिपूर्वक हुआ, ये चरण भी जो है दूसरा चरण भी जो है जो 26 सीटों पर होने वाला है ये भी काफी शांतिपूर्वक हो। इस चरण में राजौरी, पुंछ, रियासी, गांदरबल, श्रीनगर और बड़गाम जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदानों के लिए लगभग 239 जो उम्मीदवार हैं अपना कल भाग्य आजमाएंगे। और आपको बता दें कि गांदरबल में सबसे अधिक 15 और बुद्धल आरक्षित सीटों के लिए सबसे कम 4 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं और कल लगभग 25 लाख के करीब मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला लिखेंगे और मतदान जो है 6 बजे से शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद ये मतदान 6 बजे तक रहने वाला है। और ऐसे में अगर लोगों की होड़ इसी तरह से बनी रही तो 6 बजे के बाद भी जो है मतदान को बढ़ाया जाएगा। इस समय जो है तैयारियां जो है पूर्ण रूप से आखिरी चरम पर हैं और तैयारियों में कोई भी कमी पेशी ना हो इसको लेकर लगातार जो है चेकिंग भी की जा रही है। सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण रूप से की गई हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए हो या थर्ड जेंडर के लिए हो, इस समय सबके लिए जो है पर्याप्त रूप से जो है इस समय तैयारियां की जा रही हैं। और ये 26 सीटों पर होने वाला चुनाव अपने आप में ये कहीं ना कहीं दर्शाएगा कि जम्मू कश्मीर में लगातार शांति का माहौल जो है वो बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का की जो 26 विधानसभा सीटों पर जो है प्रचार इस समय थम गया है। कश्मीर के 3 जिलों गांदरबल, श्रीनगर और बड़गाम की 15 और जम्मू की 3 जिलों में राजौरी, रियासी और पुंछ में 11 सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है। और ऐसे में लगभग तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और इस समय सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी को इस समय 4 चौबंद करके रखा हुआ है और सीसीटीवी कैमरा से जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें लेस कर दिया गया है और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए वहां पर एक जो है स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं जहाँ पर महिलाएँ आपको जो है नजर आएंगी। क्या कुछ खास तैयारियां जो है इस बार जो हो रही हैं उसको लेकर जो है सरकार इस समय अपनी कमर कसे हुए है। हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि जो मतदान हो रहे हैं उसमें आने वाले मतदाताओं को किसी तरह की भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण में लगभग 35,000 कश्मीरी पंडितों ने जो है वो अपनी वोट डाली थी और जो कश्मीरी विस्थापित लोग हैं उनके लिए 26 जो है विशेष बूथ बनाए गए थे, जिन इनमें से जम्मू में 19, दिल्ली में 4 और उधमपुर में 1 बूथ था, जिसको लेकर लगातार जो है हमें खबरें भी आती रही कि शांतिपूर्वक जो है चुनाव हुआ और ऐसे में लोग जो है उनकी भागीदारी भी काफ़ी अच्छी देखने को नज़र आई। लगभग 61% जो है पिछले चरण में लोगों का जो है मतदान देखा गया और लोगों की काफ़ी ज़्यादा इसमें भागीदारी देखने को नज़र आई और कल जो है वो दूसरा चरण होने जा रहा है और ऐसे में
सरकार की तरफ से ये बार बार अपील की जा रही है कि अपने मत को जाया ना करें, अपना मतदान जरूर करें, और अगर आप अपना मत नहीं देते तो कल को हमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि हम उस सरकार को नहीं कोस सकते जिससे हमने वोट ही नहीं किया। तो ऐसे में जो जिन्होंने पहली बार वोट देना है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अपने वोट को ज़ाया ना करें, अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। विधानसभा चुनाव की बात हो या बात हो लोकसभा चुनाव की, तो शांति पूर्वक जो है इस समय चुनाव हो रहे हैं और लोगों की भागीदारी भी बड़ी जबरदस्त देखने को नजर आई है। पहले चरण में भी जो है भागीदारी लगभग 61% थी और इस समय उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से पहले चरण में लोगों की भागीदारी देखने को नजर आई है इस बार भी इसी तरह की ही भागीदारी देखने को नजर आएगी। तो 26 सीटों पर होने वाला विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण कल होने जा रहा है। हर पर्याप्त तैयारी जो है अभी इस समय जितने भी पोलिंग बूथ स्टेशन है वहां पर की गई है। कश्मीरी विस्थापित जो पंडित हैं उनके लिए जम्मू में भी जो है लगभग 19 सेंटर बनाए गए हैं। 24 सेंटर पूरे देश भर में हैं, जिस और दिल्ली में 4 सेंटर हैं, उधमपुर में 1 सेंटर है। तो सुबह से ही 7 बजे से ही जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो पहली बार वोट कास्ट कर रहे हैं उन्हें भी अपील की जा रही है कि बाहर आए, अपना वोट कास्ट करें, अपने वोट को जाया ना करें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का पर्व है। ये उत्सव जैसा जो माहौल इस समय बना हुआ है, इस उत्सव के माहौल में अपनी भागीदारी दिखाएं, अपना मत जरूर दें, अपना वोट जरूर कास्ट करें और अपनी चुनी हुई सरकार के आगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आप उनके सामने रख पाएंगे। लेकिन कल चरण दूसरा होने वाला है, पिछले चरण को बहुत ही शांतिपूर्वक जो हुआ है और उम्मीद की जा रही है अगला चरण भी जो है बड़े शांतिपूर्वक होगा। तो लगभग कल 239 जो मतदान जो प्रत्याशी हैं उनका फैसला जनता जनार्दन करने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि कल भी जो चुनाव होंगे ये बड़े शांतिपूर्वक होंगे और लोगों की भागीदारी भी इसी तरह से देखने को नजर आएगी जिस तरह से पहले चुनाव को देखने को नजर आई है। फिलहाल इस समय प्रचार जो है वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और पोलिंग बूथ स्टेशन पर तैयारियां जो है वो अपने चरम सीमा पर है और लगभग पूरी तैयारियां जो है उन पर सुनिश्चित करने के लिए ऑफिसर्स भी जो है बार बार वहां पर मुआयना कर रहे हैं और सबसे ये बार बार अपील भी कर रहे हैं कि अपने वोट को कास्ट जरूर करें। तो कल 26 सीटों पर होने वाले चुनाव को हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने वोट को जाया ना करें, ये डेमोक्रेसी का पर्व है, अपना वोट जरूर कास्ट करें और अपने पसंदीदा प्रत्याशी के सर पर जीत का सहरा जरूर बांधें। तो ये थी फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।